तो आज का हमारा स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये है फ्लेमिंगो बुक से, ये एक स्टोरी है और चलिए इसको शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। अल्फोंसे डोडे जो इसके ऑथर है वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो अल्फोंसे डोडे है ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रशिया लेड बाई बिस्मार्क। तो ये जो लास्ट लेसन जो स्टोरी है ये कब का कौन से टाइम का स्टोरी है? फ्रेंको प्रशियन वॉर के समय का स्टोरी है और ये वॉर हुआ था आपका 1870 टू 1871 के बीच में और इस वॉर में फ्रांस को हरा दिया गया था प्रशियन के द्वारा और प्रशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया जो था उस समय का देश उसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? जर्मनी पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये तीनों को मिला के उस समय प्रशिया बोला जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू द प्रशियन हैंड्स। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि जो फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्जेस एंड लोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंच हार चुका है और ये दो डिस्ट्रिक्ट चले गए हैं प्रशियन के हाथों में। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो ये स्टोरी पढ़ के हमें पता चलेगा कि ये फ्रांस जो हार गया ये युद्ध, जिस हारने का वजह से स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ, ये हम लोग देखेंगे स्टोरी पे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस वॉर में फ्रांस जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट हार चुका था और वो दो डिस्ट्रिक्ट के नाम है एल्जेस एंड लोरेन। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड फॉर अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज MML हैड सेड डैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि हम उस दिन स्कूल काफ़ी लेट से शुरू किए जाना दैट मॉर्निंग उस सुबह एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। ड्रेड मीन्स फियर और मुझे काफ़ी डर था कि मुझे कहीं डांट ना पड़ जाए, खासकर से बिकॉज MML हैड सेड, MML ने हमें कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वो हमें क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल चैप्टर से। आपको पता होगा पार्टिसिपल से ग्रामर का चैप्टर है, उसके ऊपर MML क्वेश्चन पूछने वाले थे उस दिन। MML यहाँ पर टीचर है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम और मुझे कुछ पता नहीं था पार्टिसिपल्स के ऊपर, एक वर्ड भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ एक क्षण के लिए तो मैं ये सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मतलब स्कूल ना जाऊँ और मैं बाहरी समय बिता दूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर कितना गर्म था और कितना रौनक था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एंड ऑफ द वुड्स और चिड़िए जो है वो चहचहा रहे थे पेड़ों पर बैठ के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग और एक सॉ मिल था, यहाँ पर लकड़ी काटा जाता है। इस सॉ मिल के पीछे क्या था? एक ओपन फील्ड था, उस फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स लोग क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles. तो ये tempting means attracting. तो ये सब मुझे काफ़ी attract कर रहा था participles की तुलना में। But I had the strength to resist and hurry off to school. लेकिन मेरे अंदर ये ताकत था कि हम अपने आप को रोक पाया और मैं जल्दी से कहाँ चला गया? स्कूल चला गया, लेखक बोलता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो जब हम town hall को cross कर रहे थे तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड, मतलब ऐसा बोर्ड जहाँ पे थोड़ा न्यूज़ उस छपता है, उस बोर्ड के सामने क्या है, कुछ भीड़ जमा हुआ था। तो ये देखा लेखक। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, बोला कि पिछले दो सालों से जितने भी बुरे खबर है वो सब वो बुलेटिन बोर्ड में छपते हैं। वो बुरे खबर क्या क्या होते हैं? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के न्यूज़, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर हो ड्राफ्ट हो ये सब बुलेटिन बोर्ड में छपते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग और मैं चलते चलते ही सोचा कि वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, क्या हो गया जो वहाँ पर इतना भीड़ लगा हुआ है। आपको पता है ये लेखक स्कूल जा रहा है और ये स्कूल के लिए लेट हो चुका है, काफ़ी जल्दी जल्दी जा रहा है ये। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी वहाँ से गुजर रहा था, जितने तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से मैं चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम था वॉचस्टर, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो जैसे ही मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पे कौन खड़ा था? ब्लैक स्मिथ खड़ा था बुलेटिन बोर्ड के सामने, जिसका नाम था वॉचस्टर,
ब्लैक स्मिथ का नाम वस्टर था और वो किसके साथ आया हुआ था, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर, लीडिंग द बुलेटिन। तो वो दोनों ही बुलेटिन पढ़ रहे थे, वो दोनों मुझे देख के क्या, ये ब्लैक स्मिथ उन्हें देख के क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है लेखक को कि अरे बच्चे इतना तेज मत जाओ, तुम समय से पहले पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे तो लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं वहाँ से आगे चला गया और चलते चलते एम हैमल का गार्डन तक पहुँच गया और काफ़ी थका हारा पहुँचा वहाँ पर। आपको पता है एम हैमल कौन है? एम हैमल उनके टीचर है नरेटर के। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, आमतौर पर जब स्कूल खुलता था तो काफ़ी शोरगुल हुआ करता था जिसको रास्ते पे चलते हुए लोग भी सुन पाते थे जो स्कूल में कितना हल्ला हो रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो किन किन चीज़ों का साउंड आता था बाहर, डेस्क खुलने ये बंद होने का साउंड आता था, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन। आपको पता है स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो सब एक साथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग इन यूनिशन, मतलब एक साथ कोई चीज़ को दोहराना, वेरी लाउड और काफ़ी तेज़ आवाज़ होता है वो। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम सभी के हाथ अपने कानों पे हुआ करते थे ताकि हम सब अच्छे से समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और सीन कैसा होता था कि टीचर का रूलर रैपिंग मतलब स्ट्राइक करना टेबल पे, वो टीचर बार बार टेबल पे स्केल से मारते रहता था। नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज काफ़ी शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. इतने दिनों से जब भी मैं लेट होता था तब मैं किस पे डिपेंड रहता था, कमोशन पे। यहाँ पर काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेंट ऑन, वो किस पे डिपेंड करता था, कमोशन। कमोशन मतलब नॉइजी इन्वायरमेंट। तो मैं इतने दिन पर शोरगुल का फ़ायदा उठा के चुपके से अंदर ढुक जाता था। बट ऑफ कोर्स डैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, सब चीज़ इतना शांत था, ऐसा लग रहा था कि संडे का मॉर्निंग है वो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की के जरिए मैं देखा कि अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और देखे कि एम हैमल जो थे वो आगे पीछे चल रहे हैं और अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं, एक आयरन रूलर। I had to open the door and go in before everybody. और मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से मुझे जाके बेंच पे बैठना था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था उस समय। But nothing happened. लेकिन कुछ ऐसा अलग हुआ नहीं। M. Hamel saw me. M. Hamel मुझे देखे and said very kindly, और काफ़ी प्यार से मुझे कहा, go to your place quickly, little French. We were beginning without you. बोले कि जाओ अपने प्लेस पर बैठ जाओ जल्दी से, हम लोग तो तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं बेंच पर जंप किया और डेस्क पर जाकर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो मैं बेंच पर बैठा और थोड़ा अपने डर पर काबू पाया, थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब मैंने देखा कि टीचर हमारे जो थे वो क्या पहन के आए हुए हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हुए हैं। हिज फ्रिल्ड मीन्स डेकोरेटेड, हिज डेकोरेटेड शर्ट काफ़ी अट्रैक्टिव शर्ट था, एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क का ब्लैक कलर का कैप पहने हुए थे वो, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मीन्स सब पे कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर वॉड एक्सपेक्ट एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ऐसे टाइप के कपड़े वो तभी पहनते थे जब इंस्पेक्शन हो या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो तभी पहनते थे, लेकिन आज भी वो पहन के आए हुए थे उस दिन भी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, लेकिन इसके अलावा तो पहला अलग चीज़ उनको क्या दिखा लेखक को कि एम एम एल अलग ही स्पेशल ड्रेस पहन के आए हुए हैं, और दूसरा चीज़ उन्हें क्या लगा कि स्कूल काफ़ी उन्हें सीरियस दिख रहा था उस समय, हर चीज़ काफ़ी शांत था। बट द थिंग डैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और एक चीज़ जो मुझे और भी सरप्राइज कर दिया वो ये चीज़ था कि जो हमारे बैक बेंचेस थे जो अक्सर खाली हुआ करते थे, उस दिन वो खाली नहीं थे, उस पर कौन बैठे हुए थे, विलेज के लोग बैठे हुए थे चुपचाप हमारे जैसे। और कौन से लोग बैठे हुए थे,
सबसे पहला तो था ओल्ड हाउजर। हाउजर का मतलब एक सरनेम है, नाम ही है। तो वो बैठे हुए थे विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ऐसे टाइप के हैट पहने हुए थे वो। द फॉर्मर मेयर ये बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर भी बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बाकी और भी कुछ लोग थे वहाँ पर लास्ट बेंचेस में। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी निराश दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर विथ एंड हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थंबड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और जो हाउजर थे वो अपने साथ क्या लेके आए थे, ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मतलब बच्चों का किताब, जिसमें मान लीजिए ABCD सिखाया हुआ होगा, अल्फ़ाबेट सिखाया होगा, वैसा किताब। और वो किताब क्या था, थंबड एट द एजेस, किताब का कोना काफ़ी मुड़ा हुआ था ज़्यादा पढ़ने का बाद, या फिर पुराना हो गया था वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो किताब को खोल के अपने घुटनों पे रखे हुए थे। कौन रखे हुए थे, हाउजर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने चश्मों के जरिए वो देख रहे थे पेजेस पर। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, तो हम ये सब सोच ही रहे थे कि क्या हो रहा है आज स्कूल में। MML माउंटेड हिज चेयर, MML अपने चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, और वही ठीक गंभीर स्वर में और प्यार भरे स्वर में वो मुझे बोले, सबको बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आज का लास्ट लेसन है जो हम आपको देने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम भी है द लास्ट लेसन। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कनेक्शन है स्टोरी का और टाइटल का। तो टीचर बोलते हैं कि आज मेरा लास्ट लेसन है, क्यों लास्ट लेसन है देखते हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन। वो बोलते हैं कि बर्लिन मतलब ये जर्मनी का कैपिटल है, और आपको पता है जर्मनी प्रशिया का पार्ट था उस समय। तो बोलते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। इतने दिन तक क्या पढ़ाया जा रहा था, फ्रेंच पढ़ाया जा रहा था, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। और वो भी कहाँ पर, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्जेस और लोरेन में, जो फ्रेंच हार गया था। किसमें हार गया था, फ्रेंको प्रशियन वॉर में हार गया था। और ये वॉर हुआ कब था, 1870-1871 के बीच में हुआ था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो MML बोलते हैं कि आपका जो नया मास्टर है जो जर्मन पढ़ाएगा वो कल आ रहे हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब ध्यान से पढ़ें आज का क्लास। तो ये तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था सभी के लिए। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। वाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी स्ट्रेंज सरप्राइजिंग था, मुझे सदमा सा लग गया। ओ द रिचेस, काफ़ी बुरा हुआ। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो अब लेखक को याद आता है कि ओ इसका मतलब वो जो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, वो बुलेटिन बोर्ड में यही शायद न्यूज़ छपा होगा टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, तो लेखक सोचता है कि ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्यों, मैंने तो अभी ठीक से सीखा भी नहीं है लिखना ठीक से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे कभी ये सीखने को भी नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, इसका मतलब मुझे अभी रोकना होगा फ्रेंच सीखना। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था कि इतने दिन से मैं अपने लेसन्स ठीक से पढ़ नहीं रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार, मैं इतने दिन से क्या कर रहा था, क्या तो चिड़िए का अंडा ढूंढता था, या फिर जार, जार एक नदी का नाम है, उसका किनारे हम घूमते थे। माई बुक्स डैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुड नॉट गिव अप, और ये जो मेरे बुक्स है जो मुझे कुछ क्षण पहले एकदम बेकार से लगते थे और इतने भारी लगते थे उठाने में, लेकिन अब ये बुक्स, मेरे ग्रामर और मेरे हिस्ट्री के बुक्स, ये सब मेरे पुराने दोस्त हो गए थे जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं पा रहा था। एंड MML टू, और हम MML को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये जो बात है कि वो अब चले जाएंगे हमें छोड़कर, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये सब बात मुझे भुला दिया कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, वो अपने रूलर से मुझे मारते थे, वो भी मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कितने रूड थे वो भी मैं भूल गया। ये सब सोच कर कि वो अब हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे सर। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, तो अब मुझे समझ में आया कि यह लास्ट लेसन होने के कारण ही इसके इज्जत के लिए वो क्या करके आए थे,
संडे क्लोथ्स जो पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों विलेज के जो बाकी बूढ़े लोग जो थे वो क्यों आज क्लासरूम में बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। इट वॉज़ बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, ये इसलिए था कि वो लोग भी काफ़ी अफसोस कर रहे थे डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग इस भी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, ये उनका तरीका था थैंक यू बोलने का उनके मास्टर्स को, वो मास्टर्स को जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 40 साल बिताए थे स्कूल में सर्विस करते हुए। और वो लोग क्या शो करना चाह रहे थे जो बैक बेंच में बैठे हुए थे, वो लोग शो करना चाह रहे थे उनका रेस्पेक्ट उनके देश के लिए दैट वॉज देयर्स नो मोर, वो देश जो उनका अब अपना नहीं था। आपको पता है यहाँ कौन सा देश का बात हो रहा है, फ्रांस का बात हो रहा है यहाँ पर। फिर आके देखते हैं, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब ये सब मैं सोच ही रहा था कि आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे सुनाई पड़ा कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की, क्या सुनाने की, पार्टिसिपल्स के बारे में सुनाने की मेरी बारी थी। What would I have given to be able to say that dreadful rule of for the participles all through very loud and clear and without one mistake, मैंने क्या नहीं किया वो पार्टिसिपल के सभी रूल बताने के, और काफ़ी मैं क्लियर तरीके से बताना चाहता था बिना एक भी कुछ गलती किए, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले वर्ड बोलते ही मुझे हम कन्फ्यूज हो गए। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, लेकिन मैं पहला शब्द बोलते ही कन्फ्यूज हो गया और मैं वहाँ खड़ा था अपने डेस्क को पकड़े हुए और मेरा दिल धड़क रहा था और मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं सिर उठा के सर को देखूँ। तो लेखक तो चाह रहा था कि वो कोशिश करके बता दे पार्टिसिपल्स के रूल ताकि टीचर खुश हो जाए उनसे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। I heard MML say to me, तो मुझे सुनाई पड़ा MML क्या बोले फिर, I won't scold you little French, बोले कि हम तुम्हें नहीं डांटेंगे little French, you must feel bad enough, तुम खुद ही समझ रहे होगे कि तुमने कितना बड़ा भूल किया है। See how it is, अब तुम देख पा रहे हो क्या हुआ है। Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, हम लोग हर रोज़ हम अपने आप से ये कहते थे कि हम लोग अपने आप से ये कहते थे कि अरे हटाओ हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम कल सीख लेंगे इसे, किसे कल सीख लेंगे, फ्रेंच को। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम्हें पता चल रहा हो कि अब कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है फ्रेंच सीखने के लिए। आह डैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जेस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, तो MML बोलते हैं कि यही प्रॉब्लम है एल्जेस का, वो क्या कर देती है लर्निंग को टाल देती है कल के लिए। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? अब तुम लोग क्या कर दिए हो, मौका दे दिए हो उन लोगों को जो बाहर में है, तो बाहर में कौन है, जो प्रशियन लोग हैं मतलब जर्मन के लोग हैं, तो वो लोग को मौका दे दिए हो बोलने के लिए कि वो तुम पे हंसे। वो क्या कहेंगे वो लोग, वो लोग ये कहेंगे कि तुम सिर्फ बहाना दिखावे के लिए फ्रेंचमैन हो, तुम ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो तुम्हारा अपना लैंग्वेज, तो ये बोलेंगे वो लोग। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिल फ्रेंच, MML बोलते हैं कि लेकिन फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, तो मतलब कि हम सभी को कुछ ना कुछ है अपने आप को कोसने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी इच्छुक नहीं थे कि तुम पढ़ो। They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. वो चाहते थे कि तुम उनके फार्म में काम करो या फिर कोई मिल में काम करो ताकि तुम कुछ पैसा लेके आओ घर में। And I, और जहाँ तक मेरा बात है, मेरा किसका, MML का बात है, I have been to blame also, तो दोस्त मेरा भी है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तो क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय कभी कभी फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया? And when I wanted to go fishing, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, did I not just give you a holiday? तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया? तो कुछ दोस्त मेरा भी है, मैंने भी तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया फ्रेंड्स। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language. अब उसके बाद MML क्या किए, एक चीज़ से दूसरे चीज़ तक फ्रेंड्स के बारे में हर चीज़ बताने लग गए। Saying that it was the most beautiful
लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बोलते थे कि फ्रेंच क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, हमें ये फ्रेंच लैंग्वेज को बचा के रखना है आपस में, नेवर फॉरगेट इट, हमें कभी इसे भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक उनको अपना लैंग्वेज पता है, अपना मदर टंग पता है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इसका मतलब जब तक उनको अपना लैंग्वेज पता है, तब तक उनके पास, ये समझ लो कि उनके पास क्या है, की है, चाबी है उस जेल से बाहर आने का, गुलामी से बाहर आने का। देन आई ओपन अ ग्रामर एंड रीडर्स, देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीडर्स आवर लेसन्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामर खोला और हमें एक पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं चौंक गया कि मैं आज कितने अच्छे से समझा उस लेसन को। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरी थिंग विथ सो मच पेशेंस। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर चीज़ काफ़ी आसान लगने लगा, और मैं सोचा कि मैंने शायद इतना ध्यान से कभी नहीं पढ़ा मैं आज तक, और मुझे ये भी लगा कि शायद टीचर भी इतने पेशेंस से कभी नहीं पढ़ाए होंगे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आज सर जो थे आज पूरे मूड में थे कि आज वो उन्हें जितना भी पता है सब ज्ञान वो आज हमें दे के जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वो चाहते थे कि उन्हें जो भी पता है वो सब आज ही हमारे सिर में डाल दे वो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो ग्रामर के बाद हमें लिखना सिखाया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नए नए कॉपीज लेके आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस कॉपी में लिखा हुआ था, काफ़ी अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्जेस। दे लुक लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, तो वो जो कॉपीज थे वो लग रहा था कि फ्रेंच के झंडे हैं, फ्रांस के झंडे हैं वो सब, और क्लासरूम में लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, लग रहा था कि वो सब झंडे हमारे डेस्क पर टंगे हुए हैं। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तो लेखक हमें बोल रहा है कि आपको देखना चाहिए था कैसे सब मन लगा के अपने अपने काम कर रहे थे। हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना शांत था क्लास, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था, वो क्या चीज़ का साउंड था, पेन का चलने का साउंड आ रहा था पेपर पर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स का मतलब होता है भृंग, हिंदी में इसको भृंग बोलते हैं, एक टाइप का कीड़ा है ये। तो एक बार क्या हुआ कि ये बीटल्स कुछ अंदर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का ध्यान उस बीटल्स पे नहीं गया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। लिटलेस्ट वन मतलब कि वो क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उस छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान उस बीटल्स पे नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और वो जो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो क्या ट्रेस कर रहे थे, फिश का हुक अपने कॉपी में बना रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो फिश का हुक भी क्या है, फ्रेंच है, इतने ध्यान से वो लोग पढ़ रहे थे छोटे छोटे बच्चे सब। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और हमारे छत पर कुछ कबूतर बैठे हुए थे और वो भी गुटरगू कर रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो क्या वे लोग इन कबूतर को भी जर्मन पढ़ाएंगे क्या। यहाँ पे दे कौन है, तो ये आपको पता होगा दे कौन है, यहाँ पर प्रशियंस लोग, मेनली जर्मन लोग, जर्मनी के लोग। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemel sitting motionless in his chairs and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो जैसे जब जब हम सिर उठा के सर को देखते थे तो दिखता था कि सर कभी एक चीज़ को देखते हैं, कभी दूसरे चीज़ को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि सर क्लासरूम को याद करने का कोशिश कर रहे थे, पूरा क्लासरूम को अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश कर रहे थे कि क्लासरूम था कैसा एकदम। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, लेकिन सोचिए आप ही पिछले 40 सालों से वो एक ही जगह पर थे, काम कर रहे थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और स्कूल के सामने क्या था, गार्डन था खिड़की के बाहर, एंड दिस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये पूरा क्लास उनके सामने था, जस्ट लाइक दैट, वैसे का वैसा ये क्लास रहा पिछले 40 सालों से। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन बॉर्न स्मूथ, सिर्फ क्या हुआ था, वो जो डेस्क और बेंचेस सब जो थे वो यूज़ करते करते क्या हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। द वैलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर्स, वैलनट का मतलब होता है अखरोट का पेड़, अखरोट का पेड़ जो था गार्डन में वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन डैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन, ये एक लतीदार पेड़ होता है
ये पेड़ जो था वो गोल गोल घूमते घूमते खिड़की को पूरा जकड़ लिया था और खिड़की से होते हुए वो छत पे पहुंच गया था वो पेड़। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल टू पुअर मैन। तो लेखक बोल रहे हैं कि कैसा उनका दिल टूटा होगा जब उन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पूरा उनका दिल टूट जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो जब सुनेंगे कि उनके सिस्टर इधर उधर टहल रही है रूम में और सामान सब पैक कर रही है, तब उनका दिल काफ़ी टूट जाएगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें पूरा वो देश छोड़ के जाना था अगले ही दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतना हिम्मत था कि वो सबका लेसन सुने। कौन सा लेसन? वो पार्टिसिपल्स के ऊपर सबका सुने वो। आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या किए, एक हिस्ट्री का लेसन किए। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बू बो बू, तो ये सब बच्चे लोग जो थे वो ये सब पढ़ रहे थे और हम लोग हिस्ट्री पढ़े। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बैक बेंचेस पे जो कौन बैठे हुए थे ओल्ड हाउसर, वो चश्मे पहने हुए थे और अपने हाथों में क्या लिए हुए थे, प्राइमर। प्राइमर का मतलब आपको पता ही है, एक प्राइमरी क्लास का बुक होता है वे, और वो भी स्पेलिंग दोहरा रहे थे बच्चों लोग के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख पाते थे कि वो भी रो रहे थे। कौन रो रहे थे? हाउसर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनका आवाज़ इमोशन के कारण लड़खड़ा रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ये काफ़ी फनी लग रहा था हमें, और हम सब हंसना भी चाह रहे थे अंदर ही अंदर रोना भी चाह रहे थे। आ हाउ वेल आई रिमेंबर डिट दैट लास्ट लेसन, मुझे कितने अच्छे से याद है वो हमारा लास्ट लेसन। लास्ट लेसन किसका? फ्रेंच का। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी क्या हुआ, चर्च की जो घंटी थी उसमें 12 बजने का आवाज़ आया। देन द एंजलस, उसके बाद हमारा प्रेयर हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और जैसे ही प्रेयर हो गया तो तभी क्या सुनाई पड़ा हमें, प्रशियंस लोगों का ट्रम्पेट सुनाई पड़ा, वो लोग ड्रिल करके वापस आ रहे थे। एम एम एल स्टूड अप वेरी पेल, तो एम एम एल खड़े हो गए और वो काफ़ी घबरा गए थे। इन हीज चेयर, वो चेयर पे खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज वो काफ़ी लंबे दिख रहे थे, इतने लंबे कभी वो नहीं दिखे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, तो एम एम एल बोलते हैं कि मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, इतना आई मैं बोलते बोलते ही उन्हें उनका आवाज़ अब निकला नहीं। फिर ही कुड नॉट गो ऑन, वो अब और नहीं बोल पा रहे थे। तो ऐसा होता होगा जब आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है, तो वैसे ही उनके साथ हो रहा था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टूक अ पीस ऑफ चॉक लिए एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड विव लव फ्रांस, और उसके बाद वो चॉक उठा के जितना शक्ति था उतना शक्ति लगाकर और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखकर उतना बड़ा वो बोर्ड पे लिख दिए ये तीन वर्ड, वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब होता है मतलब फ्रांस अमर रहे, ये लिखे वो बोर्ड पर। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुक गए और अपना सिर झुका लिए वॉल की तरफ। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना कुछ बोले वो हाथ से इशारा करके बोले कि क्या बोले, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, तो स्कूल आज का क्लास यहाँ पे एंड होता है, अब आप जा सकते हैं। तो यही था आज का स्टोरी, तो देखे कि काफ़ी सैड स्टोरी था ये और स्टोरी यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आप इसको एंजॉय किए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और भी वीडियो के साथ, तो आज के लिए फिर इतने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।